चीन ने कुछ ऐसा किया है जिसने भारत समेत अमेरिका और ब्रिटेन में कोहराम मचा दिया है। जी हाँ, चीन ने तीनों ही देशों को एक साथ चुनौती दे दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ब्रिटिश अखबारों में एक खबर छपी थी कि चीन हिंद महासागर में एक रडार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये रडार बेस अमेरिका और ब्रिटेन के एक साझा सैन्य बेस डिएगो गार्सिया के आसपास हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका के लिए ये सैन्य बेस रणनीतिक लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका इस बेस को केंद्र बना हिंद महासागर, अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट और इसके अलावा गल्फ में कहीं पर भी एक बड़ी सैन्य कार्यवाही कर सकता है। इसलिए डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी और ब्रिटिश सेना के सबसे खतरनाक हथियार भारी संख्या में तैनात रहते हैं। इसलिए ये बेस न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि ब्रिटेन के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जैसे ही चीन के रडार बेस की खबर निकलकर सामने आई तो अनुमान लगाए जाने शुरू हो गए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि चीन अपना सैन्य बेस कहां बनाने जा रहा है। लेकिन अब इस रडार बेस पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है, और इस खुलासे के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की सांसें अटकी हुई है। साथ ही साथ भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे भारत को ही सबसे ज्यादा खतरा है। खबर आई है कि चीन ये रडार बेस श्रीलंका के मातारा के जंगलों में बनाने जा रहा है, और ये रडार बेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इसका मेन टारगेट भारत के कुदानकुलम और कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे। साथ ही साथ भारत का एयर स्पेस और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्या एक्टिविटी होती है, किस इलाके में भारतीय वायुसेना के विमान ज्यादा उड़ान भर रहे हैं, कौन से लड़ाकू विमान किस इलाके में ज्यादा होते हैं, किस इलाके में कम होते हैं, हर एक चीज का डाटा ये रडार एक्सेस कर सकता है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि चीन अपने इस रडार बेस के जरिए भारत के जितने भी मिसाइल टेस्ट होते हैं उनकी भी जासूसी कर सकता है। इसलिए ये बेस भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर चीन का टारगेट ना सिर्फ भारत है बल्कि डिएगो गार्सिया भी है। दरअसल चीन के खतरनाक इरादे ये हैं कि कल को चीन ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका चीन को बचाने के लिए आ सकता है, और इसके लिए अमेरिका अपने दो सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा जो ताइवान के सबसे नजदीक है। पहला है जापान में, जहां पर अमेरिका की 7th फ्लीट मौजूद है, और दूसरा है डिएगो गार्सिया द्वीप पर, जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा बमवर्षक विमान तैनात करके रखे हुए हैं। ऐसे में चीन को यह पता लग जाता है कि डिएगो गार्सिया से अमेरिका के बड़े बड़े युद्धक विमान ताइवान की तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी रणनीति को बदल सकता है। इसलिए ये रडार बेस चीन के लिए रणनीतिक लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर ये रडार बेस भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है तो हम श्रीलंका से बात क्यों नहीं करते कि वो चीन को अपने यहाँ रडार बेस बनाने से रोके। तो आपको बता दें कि तीनों देश कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में कुछ इस कदर फंसा रखा है कि श्रीलंका वो सब करेगा जो चीन कहेगा। इसलिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन को यहाँ पर एक तगड़ी रणनीति बनानी होगी। हालांकि दोस्तों, आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।